गेम ऑफ थ्रोन सुनते ही आपको राजनीति, खून खराबा, ड्रैगन्स और मालूम ना। हाँ ठीक है ठीक है। अपने रन के दौरान गेम ऑफ थ्रोन्स दुनिया भर में सबसे पॉपुलर टीवी सीरीज थी। चाहे सीरीज को किसी ने देखा हो चाहे ना देखा हो, पर नाम जरूर सभी ने सुना होगा। और आप सबके कमेंट पढ़कर ही पता चलता है कि आप लोग इस सीरीज के कितने बड़े फैन हैं। थैंक यू आप सभी लोग का जिन्होंने इस टॉपिक को हमें सजेस्ट किया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं HBO के सबसे सक्सेसफुल टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन के 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स के बारे में, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलेगा कि क्या सचमुच आप डोथराकी बोल सकते हैं, कौन कौन से गेम ऑफ थ्रोन्स के सीन्स रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड हैं, कौन कौन से कनेक्शन है गेम ऑफ थ्रोन्स के इंडिया से, और आगे हमें गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स से क्या नया देखने को मिलेगा। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। HBO की गेम ऑफ थ्रोन सीरीज बेस्ड है अमेरिकन राइटर जॉर्ज आर आर मार्टिन के अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की नॉवल सीरीज पर, जिसमें इसकी पहली नॉवल अ गेम ऑफ थ्रोन्स पर इस सीरीज का नाम बेस्ड है। इसे पब्लिश किया गया था 1 अगस्त 1996 को, जिसमें 2011 तक अब तक इसकी 5 किताबें आ चुकी हैं और अब भी इसकी 2 किताबें आना बाकी हैं। इस सीरीज के लिए मार्टिन इंस्पायर्ड थी कई सारे रियल लाइफ हिस्टोरिकल इवेंट से, जैसे कि द वॉर ऑफ रोजेज, जो बेसिकली रियल लाइफ इंग्लैंड की हिस्ट्री की रियल लाइफ सिविल वॉर की कहानियां हैं। वहीं पर वो फ्रेंच नॉवलिस्ट मरीज ड्यूरॉन की बुक सीरीज द अकर्स किंग से भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। जब 2006 में इस सीरीज के शो रनर्स डेविड बेनियोफ और डीबी वेस HBO के लिए इस पर एक टीवी सीरीज बनाने के लिए जॉर्ज आर आर मार्टिन से मिले, तो उन्होंने इन दोनों से एक ही सवाल पूछा, जॉन स्नो की माँ का नाम क्या है, और इसका जवाब देने में उन्हें घंटों बीत गए। और फाइनली उन्होंने इसका एक बहुत ही शॉकिंग जवाब दिया, जो क्या था मुझे पता नहीं चल पाया। वेल फाइनली आर आर मार्टिन उनसे इम्प्रेस हो गए और उनके साथ काम करने के लिए मान गए। इस सीरीज का पायलट एपिसोड यानी कि सबसे पहले सीजन का सबसे पहला एपिसोड 2009 में ही शूट किया गया था और इसे डायरेक्ट किया था टॉम मैकार्थी ने। जब HBO ने रिलीज से पहले इसकी एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी, तो उन्हें ये एपिसोड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाद में शोरनर्स डीबी वेस और डेविड बेनियोफ ने इसमें काफी बड़े बड़े बदलाव किए और इस एपिसोड को 90% तक बदल डाला, जिसमें डायरेक्टर को तो बदला ही गया, साथ ही साथ कई सारे नए कास्ट को भी लिया गया। यही कारण है कि इस पायलट एपिसोड में पहले केटलिन स्टार्क का रोल जेनिफर एहल और डेनेरियस टारगेरियन का रोल तामजिन मर्चेंट कर रही थीं। सीरीज में दिखाए स्टार्क किड्स के उम्र और बुक में बताए इनकी उम्र में काफी ज्यादा डिफरेंस है, जैसे कि आर्या की उम्र बुक में 9 साल है, लेकिन इसे इस सीरीज के सीजन 1 में मिसी विलियम्स के रूप में 13 साल का दिखाया गया है। वहीं पर ब्रैंड शुरुआत में 7 साल का होता है, लेकिन सीजन 1 में आइजेक हेम्पस्टेड राइट के रूप में उसे 12 साल का दिखाया गया है। और सांसा, जो कि किताब में शुरू में 11 साल की होती है, सीजन 1 में इसे सोफी टर्नर के रूप में 15 साल का दिखाया गया है। वहीं पर रिकन किताब में शुरू में 3 साल का होता है, जिसे आर्ट पार्किंसन के रूप में 6 साल का दिखाया गया है। वहीं पर बुक में रॉब स्टार्क को 15 साल और जॉन स्नो को 14 साल का दिखाया गया है। अब चलिए बात करते हैं कास्टिंग के बारे में, और यहाँ पर हम सिर्फ मेन कैरेक्टर्स की ही बात करेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ही केटलिन स्टार्क और डेनेरिस टारगेरियन के बारे में बात कर लिया है, जिसे फाइनली प्ले किया मिशेल फेयरली और एमिलिया क्लार्क ने। वहीं पर इस सीरीज का एक मिस्ट्री रोल जिलियन एंडरसन को भी ऑफर किया जा रहा था, पर उन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया। वहीं पर रैमजी बोल्टन का रोल प्ले करने वाले आइवन रेहॉन ने भी जॉन स्नो के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन आखिरकार उन्हें चुना गया रैमजी बोल्टन के लिए। वहीं पर ऑडिशन के दिन कीट हैरिंगटन अपने आंख पर एक काला निशान लेकर गए थे, क्योंकि ऑडिशन के पहले उन्हें एक रेस्टोरेंट में किसी ने पीट दिया था। दूसरी ओर पीटर डिंकलेज टीरियन लैंकेस्टर का रोल प्ले नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने रेडिट अकाउंट में बताया था कि उन्हें फैंटेसी जॉनरा पसंद नहीं था, इसमें लंबे लंबे बूट पहनने हो और बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ानी हो। फाइनली जब शो रनर्स ने इस कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझाया, तो इस रोल को करने के लिए मान गए। वहीं पर इन सब में सबसे कठिन था आर्या स्टार्क के लिए एक सही एक्टर ढूंढना, जहां पर इंग्लैंड में 300 लड़कियों को सेलेक्ट किया गया था, बट शो रनर्स सेटिस्फाइड नहीं थे। और जब फाइनली मिजी विलियम्स ने अपना ऑडिशन वीडियो भेजा, तब जाकर उन्हें आर्या के रोल के लिए कास्ट किया गया। सोफी टर्नर ने अपने कैरेक्टर सांसा स्टार्क की डायर वुल्फ यानी की लेडी को असल जिंदगी में अडॉप्ट किया था,
ये बेसिकली एक वुल्फ नहीं बल्कि एक नॉर्दर्न यूनिट डॉग थी जिसका नाम जोनी था। जब इस सीरीज में लेडी को मार दिया जाता है तो जोनी को फिर से किसी को अडॉप्ट करने के लिए दिया जाना था। वहीं पर सोफी टर्नर हमेशा से एक डॉग चाहती थी और जब ऑलरेडी उनकी केमिस्ट्री गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट पर जोनी के साथ बन गई थी तो उन्होंने उसे अडॉप्ट करने का फैसला किया। सैडली 2017 में जोनी की डेथ हो चुकी है। अमेलिया क्लार्क के कैरेक्टर डेनेरिस टारगेरियन को सीजन 1 में डोथ्रा की ट्रेडिशन के हिसाब से एक घोड़े का दिल खाना होता है। वेल एक्चुअली इस घोड़े के दिल को जेली बीन से बने हुए सब्सटेंस से बनाया गया था और ये टोटली एडिबल था। वहीं पर इस दिल की नसों के लिए पास्ता का इस्तेमाल किया गया था। भले ही सुन के आपको ये टेस्टी लग रहा हो पर अमेलिया क्लार्क के हिसाब से इसका स्वाद बहुत ही बेकार था, जिसके कारण इसके शूट के दौरान उन्होंने कई बार उल्टी की और इसी के चलते उन्हें ये 28 बार करना पड़ा। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज के कुछ सीन्स के बारे में जो डायरेक्टली हिस्ट्री से इंस्पायर्ड हैं। तो अगर बात की जाए गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 3 के एपिसोड 9 के सबसे ट्रेजिक मैसेकेयर यानी कि द रेड वेडिंग के बारे में, तो बेसिकली ये दो रियल हिस्टोरिकल इवेंट से इंस्पायर्ड है, जहां पर एक है द ब्लैक डिनर ऑफ 4040, जहां पर डगलस क्लैन के दो राजकुमारों को स्कॉटलैंड में एक डिनर पार्टी में इनवाइट करके मार दिया गया था। वहीं पर 1692 का मैसेकेयर ऑफ ग्लेनको बेसिकली स्कॉटलैंड के ग्लेनको इलाके की कहानी थी, जहां के सैनिक नए चुने हुए राजा से बहुत ही नाखुश थे और अपनी नाराजगी दिखाने के लिए उन्होंने नए राजा के लोगों को किले में घुसकर मार डाला था। वहीं पर बैटल ऑफ बास्टर्ड्स 2016 BC के बैटल ऑफ केन पर आधारित था, जो बेसिकली रोमन्स और कार्थेगिनियंस के बीच की लड़ाई थी और उस समय कार्थेगिनियंस ने रोमन्स को चारों तरफ से घेर कर हरा दिया था। अगर आप भी हिंदी और इंग्लिश पढ़कर और बोलकर बोर हो चुके हैं तो कैसा रहेगा एक नया लैंग्वेज सीखा जाए, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, डोथ्रा की लैंग्वेज। जी हाँ, डोथ्रा की एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है और इसे एक फुल फॉर्म कोर्स में बदल दिया गया है, जिसे आप सीख कर फ्लुएंटली बोल सकते हैं। इस लैंग्वेज को शो के लिए क्रिएट किया था लिंग्विस्ट डेविड जे पीटरसन ने, और उन्हें इसे एक स्पीकेबल लैंग्वेज बदलने का आइडिया तब आया जब 2012 में द ऑफिस सीरीज का कैरेक्टर ड्वाइट श्रूट डोथ्राकी में थ्रो ट्रिप बोलना सिखाता है। वहीं पर अगर आप हाई वैलेरियन भी सीखना चाहते हैं तो लैंग्वेज टीचिंग ऐप ड्यूलिंगो हाई वैलेरियन भी सिखा रहा है। तो अगर आप भी सीक्रेट चैट स्टाइल में करना चाहते हैं तो इन दोनों लैंग्वेज को ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। अब भैया, गेम ऑफ थ्रोन्स की बात होगी और ड्रैगन्स की बात नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? इस सीरीज में ड्रैगन्स को बनाने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स की वीएफएक्स टीम ने बैट्स और अलग अलग बर्ड्स के बिहेवियर को गहराई से स्टडी किया है, और ड्रैगन्स के मसल मूवमेंट के लिए चिकन्स के मसल मूवमेंट को गहराई से स्टडी किया गया। वहीं पर ड्रैगन्स की आवाज के लिए शो की साउंड डिजाइनर पाउला फेयरफील्ड ने जैक हैमर, बाइसन और अपने डॉग के वोकलाइजेशन के साउंड्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। इन सारी चीजों ने मिलकर गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन्स को ऑन स्क्रीन जिंदा कर दिया। ये सीरीज 2012 से 2017 तक दुनिया की सबसे ज्यादा पायरेटेड सीरीज में से एक रही, जहां पर दुनिया भर के लाखों लोगों ने इस सीरीज के एपिसोड्स को इल्लीगली डाउनलोड किया, और 2019 में फाइनल सीजन के रिलीज होते ही तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर 55 मिलियन डाउनलोड्स हुए। कंसिडरिंग की इस सीरीज को बनाने में पर एपिसोड का खर्चा 10 से 15 मिलियन डॉलर्स का था, ये शो के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। पर फिर भी मुझे मालूम है ज्यादातर जो इस स्टूडियो को देख रहे हैं वो भी टॉरेंट वाले ही हैं। इस सीरीज में 8वें सीजन तक लगभग टोटल 6887 ऑन स्क्रीन मौतें हुई हैं, जिसमें जलाकर मारना और गला काटकर मारना बहुत ही कॉमन था। इसीलिए साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि सीजन 8 तक आखिर कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो जिंदा बचेंगे, जिसमें सिडनी के मैक्वायर यूनिवर्सिटी के एपिडेमियोलॉजिस्ट रीडर लाइस्टेड और बेंजामिन ब्राउन ने एक पर्टिकुलर पैटर्न समझाया, जहां पर लॉयल या गरीब कैरेक्टर्स पर मौत का खतरा ज्यादा बना रहता था कंपेयर टू अपर क्लास कैरेक्टर, जो अपना एलिजेंस बदलते रहते थे और कभी कभार इसी लॉयल्टी और इकोनॉमिक स्टेटस के कॉम्बिनेशन से भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की डेथ और लाइफ प्रेडिक्ट की जा सकती थी। यही कारण है कि डेनेरिस टारगेरियन और सर्सी लैनिस्टर की हाई क्लास में होने के बावजूद भी उनका एंड सीरीज के अंत तक हो ही गया, जो सीरीज में अपने गोल्स को लेकर बहुत लॉयल थी, और सांसा, आर्या, जॉन, ब्रैन और टीरियन जैसे कैरेक्टर्स जिंदा हैं। अब चलिए बात करते हैं अपनी खलीसी के बारे में। तो भले ही एमिलिया क्लार्क की कैरेक्टर डेनेरिस टारगेरियन सीजन 1 की शुरुआत में यातनाएं झेलती है, पर इस सीजन के एंड होते होते एमिलिया क्लार्क ने भी अपने रियल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम झेली, जहां पर उन्हें उनके ब्रेन में पहला एन्यूरिज्म झेलना पड़ा। एन्यूरिज्म बेसिकली एक कंडीशन होती है जो शरीर में कहीं भी नसों के फूलने की वजह से होती है,
और जब ये फटता है तो इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है, और अगर यही चीज दिमाग के अंदर होने लगे तो वो बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। पहले तो उन्होंने इसे किसी तरह इग्नोर कर दिया, पर तीसरा सीजन आते आते ये उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गया, जिसके कारण इसके लिए उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा, जहां पर वो आईसीयू में थी और इस बात का डर लगा था कि कहीं उनके मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, बोलने की क्षमता या आंखों की रोशनी चली ना जाए। पर फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो पूरी तरह से सेफ हैं। इस बात को उन्होंने 2019 तक सबसे छुपाया था, और अब वो सेम यू नाम की एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, जो ब्रेन इंजरी से जूझ रहे लोगों को रिकवर करने में मदद करती है। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज के इंडियन कनेक्शन के बारे में। तो अगर सबसे पहले कास्ट की बात की जाए तो इस सीरीज में दो एक्टर्स इंडियन हैं, जहां पर इंदिरा वर्मा इंडियन ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं, जो एलारिया सैंड्स ऑफ डो उनका रोल प्ले कर चुकी हैं। वहीं पर हाफ इंडियन हाफ रशियन एक्ट्रेस टैज नायर डोथराकी के खलेसर खोनो का रोल प्ले कर चुके हैं। वहीं पर इस सीरीज में दिखे ड्रैगन्स को मुंबई में बेस्ड गोरेगांव की एक कंपनी ने बनाया है, जो बेसिकली यूएस के विजुअल इफेक्ट्स कंपनी प्राण स्टूडियोज की एक सब्सिडियरी कंपनी है, और इसे इंडियन कंपनीज रिलायंस और महिंद्रा का भी फुल सपोर्ट हासिल है। वहीं पर दिल्ली की लाजपत नगर की कंपनी रंगरेजंस गेम ऑफ थ्रोन्स के टेंट को बनाने के लिए जिम्मेदार है। वहीं पर गेम ऑफ थ्रोन्स की कलेक्टर्स के लिए मर्चेंडाइज इंडिया की देहरादून की एक कंपनी बनाती है, जिसका नाम विंडलास एंड सन्स है, और ये शो से जुड़े हुए सारे के सारे हथियार, आर्मर्स, यहाँ तक कि जॉन स्नो का ब्लैक कोट भी नोएडा की ही अपनी फैक्ट्री में बनाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वैलेरियन स्टील माना जाता है कि डेमेस्कस स्टील से इंस्पायर्ड है, जिसका प्रोडक्शन 1750 में बंद कर दिया गया, और ये इंडिया के तमिलनाडु में बनता था, और इस पर भी वैलेरियन स्टील की तरह ही डिजाइन बने हुए होते थे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई सीजन 8 के साथ, जो ये गेम ऑफ थ्रोन फैंस के बीच में एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बन गया। तो सबसे पहला कारण यही है कि सीजन 8 को बहुत ही ज्यादा रश किया गया। जॉर्ज आर आर मार्टिन की इस सीरीज की अब भी दो बुक्स आना बाकी हैं, लेकिन इस शो का शेड्यूल उनके बुक के आने से पहले ही फिक्स हो चुका था, जिसके कारण शो रनर्स ने उनसे बात की कि आखिर पॉसिबल एंडिंग क्या हो सकती है, जिसके कारण उन्होंने हिंट दिया और उसी हिंट पर एक अलग तरह की कहानी लिख दी गई। मेन प्रॉब्लम इस कहानी से यही थी कि सब कुछ खत्म करने के चक्कर में सब कुछ जल्दी जल्दी दिखाया गया, इतनी जल्दी कि शूटिंग से पहले प्रोडक्शन स्टारबक्स का कॉफी हटाना भूल गई। ऊपर से इस सीरीज में व्हाइट वॉकर्स का इतना बड़ा हाइप मौजूद था, जिसे जल्दबाजी में बहुत ही अंडरवेलमिंग दिखाया गया, और इसके राजा नाइट किंग के बारे में हमें और पता नहीं चल पाया। वहीं पर इस जल्दबाजी के चक्कर में कई सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट्स भी पीछे रह गए, जैसे कि डिनेरियस की सडन मैडनेस, जिसमें शायद अगर थोड़ा और टाइम लगता तो वो अच्छा हो सकता था। वहीं पर चलिए जो हुआ सो हुआ, अब इसकी एक प्रीक्वल कहानी भी आने वाली है, जो बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से 300 साल पहले की कहानी होगी। इसे जॉर्ज आर आर मार्टिन रायन कॉन्डोल के साथ लिख रहे हैं, जो इस सीरीज के शोरनर भी होने वाले हैं। वहीं पर मीगोल स्पोचनिक इस सीरीज के डायरेक्टर होने वाले हैं। ये बेसिकली कहानी टारगेरियंस की होने वाली है, जिनका इतिहास रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज में ड्रैगन्स का इस्तेमाल करके बाकी राज्यों पर धौंस जमाने का। ऑब्वियसली मोर ड्रैगन्स यानी कि मोर फन। वेल, एचबीओ की प्रेसिडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग केसी ब्लॉयज के हिसाब से ये शो हमें 2022 तक एचबीओ और उससे जुड़े हुए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे दिख सकता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही जाए। तो लीजिए गाइज, ये थी इस चैनल की सबसे ज्यादा डिमांड की जाने वाली और इस चैनल की सबसे मच अवेटेड वीडियो। ये सीरीज बहुत बड़ी है और जाहिर सी बात है इसके फैक्ट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो में सबसे बेहतरीन फैक्ट्स को इंक्लूड करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस सीरीज का कौन सा फैक्ट बहुत पसंद आया। मुझे रियल डोथराकी और वैलेरियन लैंग्वेज और इस सीरीज के इंडियन कनेक्शंस को जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाले आइकन को दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।